प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते खेलों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पदक विजेता खिलाड़ियों की स्थिति बेहद खराब है। स्थिति ये है कि खिलाड़ी खेलों में पदक जीतकर कई उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद सड़कों पर नमकीन और बिस्कुट बेचने को मजबूर हैं ताकि परिवार का भरण पोषण कर सकें। बता दें कि देहरादून के गोविंदगढ़ की रहने वाली दिलराज कौर अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक शूटर हैं। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह गांधी पार्क के समीप नमकीन बेच रही हैं। दिलराज कौर ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। प्रदेश सरकार उनकी सुध तक नहीं ले रही है। कई बार नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। मेरी मम्मी राज्य आंदोलनकारी है और जो उनको नौकरी ऑफर की गई थी उन्होंने अपने आश्रित यानी कि मेरे लिए छोड़ी थी। इस लेटर में मेरा नाम भी है, तत्कालीन जो डीएम साहब थे उनके साइन भी है। तो अगर मुझे इस फोटो में नौकरी नहीं दी जाती तो फिर मेरी और आप दूसरा आपने एक चीज और दिखाई थी मुझे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में शूटर दिलराज कौर किराए के मकान में अपनी माता गुरबीत कौर के साथ रहती है, लेकिन आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने से नमकीन बेचकर पेट पालने को मजबूर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।